नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज मैं रिएक्शन दूंगी बेटी एक वाकया वीडियो पर, और ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है इन रीसेंट टाइम स्पेशली। मतलब पिछले 7-8 दिन से इस वीडियो की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, एंड फाइनली आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिएक्ट ऑन इट। और वीडियो का टाइटल सुन करके और उसका थंबनेल देख करके इतना तो मैं अंदाज़ा लगा ही पा रही हूँ कि ये कोई इमोशनल वीडियो हो सकता है। दानिश और दवर की जो थंबनेल में फोटोग्राफ लग रखी है बहुत ज़्यादा सेंटी है। सो लेट्स होप कि रोए नहीं अपन, एक नॉर्मल से उसमें मतलब नॉर्मल इमोशन में काम निकल जाए। पर ये कहने से कुछ नहीं होता यार, इमोशंस फ्लो होते हैं तो होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। ज़्यादा मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगी हमेशा की तरह, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर अपना बहुत अच्छा सा कॉमेडी कॉन्टेंट, कभी इंटेंस कॉन्टेंट, मतलब इट्स अ मिक्स्ड कॉन्टेंट वाला इंस्टाग्राम अकाउंट आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि यार वहाँ पर ना गजब की मस्ती करते हैं अपन रोज़। मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो यू शुड एक बार मुझे मौका दे दो और थोड़ा सा फीड स्क्रॉल करके फॉलो कर लो मेरे को। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। बेटी एक वाकया, दानिश एंड दवर, रिटन एंड कंपोज बाय आनस। एक वाकया बतलाता हूँ मैं, मुल्के अरब का, वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर, ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा, ऐ मेरे आका, जिस वक्त मैं काफिर था तब एक जुर्म किया था, जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं, बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुए एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमत उछाली, बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया ना तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार मैं पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से, वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्चे की बातें। फरमाइश वो करती रही सारे सफर में, जागी न मोहब्बत ही मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं मस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहां पहुंची मेरे साथ ही चलकर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लूं, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। जब मैंने किया एक गड़ा खोद न जारी, उस वक्त मेरे जहन पे शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझसा कमीना, वो पूछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना।
रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर, और खुद पे उलटती रही वो मट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी लहराने लगी वो। रोती रही चिल्लाती रही फूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची। उस दिन मेरी रग रग में था शैतान समाया, उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम न आया। जिंदा ही उसे कब्र में दफना दिया मैंने, एक जान पे ये कैसा सितम ढा दिया मैंने। वो आदमी रोता रहा ये बात बता कर, उस शख्स के रुख सार भी अशकों से हुए तर। एक दर्द से सरकार की आंखें हुई पूर्णम, दिल थाम के रोते रहे सरकार दुआलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो तैश दिलाए वो गलत है। सरकार को माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तुम उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए उस नैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाए से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। So young boys, इतनी अच्छी सोच, वो सोच जो हर एक इंसान की होनी चाहिए। जो इन्होंने जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से गाना गाया, बहुत इमोशनल था। और ये सच्ची कहानी है, मैंने ऐसी कहानी रियलिटी में होते हुए देखी हैं। लोग सच में ऐसा कर देते हैं अपनी बेटियों के साथ। मुझे समझ में नहीं आता, एक बेटी इतनी प्यारी लगती है पर फिर भी पता नहीं क्यों वो बहुत बोझ लगती है माँ बाप को हो जाने पर। उसके दहेज की चिंता रहती है सबको, उसके साथ कोई कुछ गलत काम ना हो जाए। बस इन्हीं सब चीज़ों के बोझ तले एक इंसान, एक बाप हैवान बन जाता है और खुद की बेटी को मार देता है। बहुत बुरा लगता है जब ऐसे केसेस अपन सुनते हैं। हरियाणा में बहुत होता था ऐसे, देखो अरब में इन्होंने बताया कि ऐसा होता आ रहा है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन दोनों लड़कों ने उस बात को उठाया और उससे लेकर के एक वाकया सुनाया जो कि इतना प्यारा था। इतने बखूबी तरीके से जो एक्ट था, पूरी की पूरी स्टोरी इन्होंने शोकेस करी, उसे देख करके दिल किसी का भी दहल सकता है। देर आर पीपल हु लव देयर डॉटर्स ऑल्सो ना, इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो अपनी बेटियों को बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, बेटों से ज़्यादा भी प्यार करते हैं। पर ये जो कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं ना, इनकी वजह से
लोग बदनाम हो जाते हैं कि हाँ यार बाप अच्छे से प्यार नहीं कर पाया अपनी बेटी को, उन्होंने जिंदा गाड़ दिया। हैट्स ऑफ टू दीज गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अपकमिंग विद दिस ब्यूटिफुल वीडियो। मतलब 2 साल 2.5 साल पुराना वीडियो है ये, और आज भी इतना हैपनिंग वीडियो है कि कोई भी इसे देखेगा तो उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द होगा। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पर बनाना है प्लीज कॉमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और कॉमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अलॉन्ग विद इंस्टा आईडी, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा और दूसरे चैनल पर जाकर के कुछ प्यारे प्यारे वीडियोस बना रखे हैं मैंने लड़कियों के ऊपर हैं, तो आप जाकर के एक बार स्टॉक जरूर करिए उन वीडियोस को। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।